हरे कृष्णा। श्री निताई गौर सुंदर की जय। मैं इष्टदेवदास पदयात्रा ऑल इंडिया में भगवान श्री निताई गौर सुंदर के साथ में और अन्य भक्तों के साथ में 9 साल सेवा करने के हमें सुअवसर मिला। पदयात्रा गुरु महाराज कहते हैं इज वॉकिंग टू गो बैक टू गॉड हेड। एक स्टिकर हमने निकाला था और स्टिकर में लिखा था वॉकिंग बैक टू गॉड हेड। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने संपूर्ण भारत में पैदल पदयात्रा के हरिनाम प्रचार के उसी परंपरा में श्रील प्रभुपाद के आदेश पर श्रील रघुनाथ स्वामी महाराज जी ने पदयात्रा प्रारंभ किया। उसी पदयात्रा में हमें 1995 995 में हम यूपी में ज्वाइन किए थे और वहाँ से हम लोग हरिद्वार ऋषिकेश के हिमालय की यात्रा किए। मैं एक नया भक्त था, बड़ी सुन जो सेवा उन्होंने ऑथोरिटी हमको दिया हमने वो सेवा किया। पदयात्रा में बिगिनिंग हम लोग जब हिमालय में गए प्रथम दिन हमें शारीरिक कुछ प्रॉब्लम हुआ, जिसके कारण मैंने कहा कि हमारे अथॉरिटी को जय प्रभु कहा कि मैं पदयात्रा छोड़ के चले जाऊँगा। प्रभु जी ने कहा यू बच्चा मेंटल प्रॉब्लम। मैं डर गया, अब कुछ नहीं, जबकि स्वास्थ्य बिगड़ गया था, पेट बिगड़ गया था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कहा कि ठीक है। लेकिन निताई गौर सुंदर इतनी कृपा रहा, मैं हिमालय की पूरी 1.5 महीना जन्माष्टमी, बलराम पूर्णिमा, राधाष्टमी सब हिमालय में मनाया। हिमालय की जो प्राकृतिक सौंदर्य देख के हमें बहुत मनमुग्ध हो गया। पदयात्रा में सेवा बड़ा निष्ठा के साथ सेवा किया। उसके बाद में वहाँ से हम सेंटिनियल के लिए मायापुर गए। जो अनुभव है पदयात्रा का मैं कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। किस तरह जो पदयात्रा में प्रत्येक दिन कि हम भगवान के ऊपर पूर्ण समर्पण, भगवद गीता में भगवान कहते हैं शरणम व्रजा, शरणापन्न की बातें कहते हैं। लेकिन ये पदयात्रा हमें सिखाता है कैसे शरण होना, क्योंकि वहाँ आज हम देखते हैं हर आश्रम में मंदिर में क्या होता है कि वहाँ अपने रहने के लिए किचन रेडी है, फिक्स है, एवरीथिंग सब कुछ रेडी होता है, एक टाइम टेबल में प्रोग्राम चलती है। पदयात्रा में कुछ भी नहीं है। आज हम चल रहे हैं, सुबह यहाँ से रथ निकल गया, शाम को कहाँ रहेगा, 20-25 भक्त होते हैं, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, किससे मिलेंगे, क्या उनसे हमें अच्छी सम्मान मिलेगा कि अपमान मिलेगा, कोई नहीं है। लेकिन भगवान निताई गौर सुंदर इतनी कृपालु है, उनके पर निर्भर रहते हैं, पूरा एक नहीं एक भक्त नहीं पूरी टीम निर्भर रहता है और सारी व्यवस्था इतनी सुंदर भाव से चलता है। भगवान इतनी हमारे प्रत्यक्ष भाव से भगवान हमारी व्यवस्था करते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसे कई घटना घटे हैं जो कि प्रत्येक दिन तो घटना घटती हैं, लेकिन ऐसे कई घटना घटे हैं जो घटना से हम आपको कुछ एक घटना बताना चाहते हैं कि भगवान किस तरह भक्तों की रक्षा करते हैं। एक बार की घटना है, आई थिंक इन तमिलनाडु 98, एक भक्त विदेश यूरोपियन कंट्री से आया था अंसी, और वहाँ मंदिर में वो जब भक्त बना था वो हर्ष में बड़ी निराश में था। तो उसकी अथॉरिटी ने, आप जानते हैं इंडिया में कोई भक्त बदमाशी करता है तो कहते हैं इट इज लाइक पनिशमेंट पदयात्रा, तुम पदयात्रा में चली जाओ, नहीं तो अच्छे भक्तों को नहीं भेजते हैं। अब पदयात्रा सबकी इलाज हो जाती है पदयात्रा में। महाराज जी कहते हैं फास्ट एड बक्स रखो। हम पदयात्रा में कभी बीमार नहीं होते, भगवान इतनी कृपालु है। पदयात्रा में हमने कभी सब ठीक हो जाते, मेंटली कहो, फिजिकली जो जिनकी प्रॉब्लम होता है वो सारी प्रॉब्लम सल्व हो जाता है पदयात्रा में। तो अंसी करके भक्त था, उसकी अथॉरिटी उसको भेज दिया, उसने ज्वाइन किया, आया तो देखा उसकी मुख में बाप रे इतनी उदास था कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो बड़ी, हमने कहा कि सिंपल आप चलो रथ के साथ में, प्रसाद खाता था, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 8-15 दिन चला, उसकी मुँह में हंसी आने लगा। कल्पना नहीं कर सकते, मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। वो व्यक्ति बातें नहीं करता था, हर्ष में मुख उसका सूखा रहता था, उदास रहता था। वो व्यक्ति हंसने लगा, रथ के सामने नाचने लगा, बहुत। फिर हमने सेवा उसको दिया, सेवा करते गया। फिर उसने आई थिंक तमिलनाडु से हम लोग केरल गए, और केरल की ठीक कुछ दिन पूर्व उसने फिर अपने गाँव गया वीजा के लिए, विदेश गया। विदेश से उसने गया, उसको माँ को कहा मदर, माई डियर मदर, आई एम मोस्ट हैप्पी टाइम नाउ इन पदयात्रा, आई वांट टू गो बैक पदयात्रा, प्लीज गिव योर ब्लेसिंग्स। उसने पदयात्रा वहाँ से मैंगलोर आया, मैंगलोर रेलवे स्टेशन में इसको पिकअप किया, हमने उडुपी गए। उडुपी के बाद में 2 दिन के बाद ऐसे घटना घटी जो हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, और भगवान ने ऐसे भक्तों की। तो एक दिन में हम लोग ब्रेकफास्ट किए, बारिश की सीजन था, हमने ब्रेकफास्ट प्रसाद लिए। ब्रेकफास्ट प्रसाद लेने के बाद में वो हमारी एक ट्रैक्टर में 3 ट्रॉली होता है, पीछे वाला ट्रॉली में बैठा था। मैंने उसको कहा उस दिन ब्रेकफास्ट में कहा कि मैं आज उसको बोलूंगा कि वो पीछे ना बैठे, आगे बैठे, क्योंकि पीछे कुछ दुर्घटना घट जाएगा तो कोई चीज़ को पता नहीं लगेगा। और मैं ब्रेकफास्ट लेके मैं एडवांस पैड के लिए आगे गांव में गया और ट्रैक्टर निकला और मैं एडवांस पैड लेके अगले गांव में बैठा हूँ। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी आपकी एक भक्त का डेथ हो गया, और जो मैं हृदय परमात्मा ऐसे मेरे कहा कि वही अंशी का डेथ हुआ होगा। और मैं दुर्घटना स्थल में पहुंचते ही देखा कि वही भक्त जिसको मैं बोलने वाला था कि तुम पीछे नहीं बैठना, वही अंशी भक्त, नया भक्त था, भक्त अंशी, उसके डेथ हो गया था। और जो ड्राइवर थे अमेरिका के, वो तुरंत ऑन द स्पॉट अपने लगेज पैकिंग के भय करके भाग गए। और सनातन प्रभारी लीडर थे, वो तुरंत कहा कि आई वाज द ड्राइवर, मैं ड्राइवर था। आप कल्पना नहीं कर सकते भगवान कैसे किए कि एक वहाँ केशवन करके जो ISP था उसने हमको ट्रैक्टर बड़ा ब्लॉक उसने ले गया, पुलिस स्टेशन में ले लिया, रख दिया और हमको छोड़ नहीं रहा था। हम पदयात्रा 2 दिन यहाँ रह गए। हमने फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो मजिस्ट्रेट होता ना, पुलिस मजिस्ट्रेट, उसके पास गए। मजिस्ट्रेट कहेंगे या इसको क्या कहेंगे, डिस्ट्रिक्ट की जो मेन पुलिस होता ना उसके पास गए। वो एक मुस्लिम था। अब सुन के हम हैरान हो गए। मैं बोला तो कभी कभी मुस्लिम लोग हिंदू विरोध होते हैं, अब तो हमको सबको अंदर कर देगा। लेकिन वो इतनी भगवान के बड़े, मैं कहता हूँ भगवान निताई गौर सुंदर इतनी कृपालु है। वो केशवन कहते रहा कि ये लोग का फॉल्ट किए, एक्सीडेंट उनकी हुए, इनको रिलीज नहीं करना चाहिए उनके ट्रैक्टर वो। लेकिन वो मुस्लिम को हमने जो मुस्लिम इंस्पेक्टर वहाँ के जो मुख्य थे डिस्ट्रिक्ट के हेड पुलिस ऑफिसर थे, हमने उनको एक्सप्लेन सब कुछ किया। पदयात्रा कहा कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ, सब कुछ एक्सप्लेन किए। तो उन्होंने क्या कहा कि लेट दिस पदयात्रा डिबोटी वॉक, केस विल कंटिन्यू बट लेट देम टू वॉक। हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि भाई एक हम जो आशा नहीं कर रहे थे भगवान ऐसे बचाया हमको। हमारे पास ट्रैक्टर कोई पेपर नहीं था, ना ड्राइविंग लाइसेंस ना एनी पेपर, कोई पेपर नहीं था। फिर बाद में हम ट्रैक्टर को वहाँ से रिलीफ हो गए। अब ट्रैक्टर तैयार ठीक कर रहे थे क्योंकि जो एक्सीडेंट में था टूट गया था। मैं उसको हम बैठे थे वहाँ, एक और बड़े RTO के बड़े ऑफिसर आए ये घटना को इंस्पेक्शन करने के लिए। और इंस्पेक्शन आया तो उन्होंने पूछे कि भाई पेपर वगैरह कहाँ है। हमारे पास पेपर नहीं था, दिल्ली में हम गए, दिल्ली हेड ऑफिस में। और उन्होंने कहा कि बाद में कहा कि मैं तो ISKCON के लाइव मेंबर हूँ, कोई चिंता मत कीजिए, आप आराम से यात्रा आगे जाइए। तो कहना का अर्थ ये है कि हम इतने भया था कि क्या होगा, भक्त मर चुका है और ये सब घटना घट रहा है, बड़े पुलिस केस हो गया है। लेकिन 1-2 दिन में इतनी भगवान ने ऐसे किया, मिरेकल कर दिया कि हम लोग पूरी छुट्टी मिल गया, हमको कोई ट्रबल नहीं रहा। कहना का अर्थ ये है कि पदयात्रा में हर स्टेप में कोई कुछ नहीं, हम कह नहीं सकते भाई क्या होने वाला है कि पदयात्रा ऐसे अनेक घटना घटी हैं। राजस्थान में हम चल रहे थे, एक ट्रक आया, शराब पीने वाला ट्रक ठोक दिया, एक बैल का ऑन द स्पॉट 2 घंटा में डेथ हो गया। ऐसा कई घटना घटती है। कई जगह में हमको लोग गांव से भगा देते हैं, विभिन्न प्रकार की, कई मायावादी होते हैं, कई प्रकार की घटना होती है। कहने का अर्थ हमारी ये है कि एक इंसिडेंट से हम पता लगता है कि भगवान किस तरह हमारी सहायता करते हैं और हम भगवान के ऊपर पूर्ण समर्पण। ये पदयात्रा में एक हमको बहुत बड़ी शिक्षा मिला। आज भी उसी पदयात्रा के कारण मैं जिंदा हूँ कि पदयात्रा में जो हमें समर्पण भाव मिला, हम कहीं भी चली जाते हैं, नो प्रॉब्लम, निर्भय, जो भय वो जो बातें हैं ये पदयात्रा से हमें सीखा कि भय नहीं करने का। अब जो निर्भय कहते हैं, अभय कहते हैं, ये केवल पदयात्रा से सीख सकते हैं। ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो मैं कहता हूँ कि पदयात्रा इज रियली ग्रेट सर्विस फॉर पदयात्रा ISKCON, और बहुत सुंदर प्रचार के लिए बहुत बड़ी मूवमेंट है जो कि प्रत्येक गांव-गांव में पहुंचता है, हर घर तक पहुंचता है। आज पदयात्रा चल ही रहा है, पिछले 30-32 साल हो गया पदयात्रा चल रहा है। डिवोटी चेंज हो रहा है लेकिन भगवान निताई गौर सुंदर है और गांव-गांव में पहुंच रहा है और पदयात्रा चल रहा है। हरे कृष्णा।